नमस्ते एवरीबॉडी, ये स्टोरी मुझे अमृता जी ने भेजा है और ये तिरुपति बालाजी भगवान पर स्टोरी है। तो उनका स्टोरी कुछ इस प्रकार से है। इनका ये कहना है कि वो अपने जीवन में कुछ बड़ी कठिनाइयों से गुज़र रही थी। एक परेशानी ये थी कि उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। उसके बाद 4-5 महीने उनके और उनके सीनियर्स और बॉस के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई थी और काम में उनको बहुत बाधाएं आ रही थी। इस वजह से वो बहुत परेशान रहती थी, उनको बहुत स्ट्रेस चल रहा था। इसी के साथ साथ एक दूसरी परेशानी भी थी उनको। उनके पिताजी बहुत टाइम से बीमार रहते थे, उनको उनकी हड्डियों में पेन रहता था, मतलब हड्डियों में काफ़ी पेन और सूजन ऐसा रह रहा था। इस कारण उनके पिताजी को भी काफ़ी मानसिक परेशानी हो रही थी। तो अमृता जी को ये सारी चीज़ें तकलीफ़ दे रही थी। तो उनको अपने मन में ये विचार आया कि क्यों ना वो तिरुपति बालाजी के मंदिर जो साउथ में है वहाँ पर वो हो आए। वैसे भी उन्होंने वहाँ पर विज़िट नहीं किया था, मंदिर के दर्शन उनके हुए नहीं थे अभी तक। तो उन्होंने इस बारे में सोच लिया। साथ ही साथ उनकी एक बहुत पुरानी फ्रेंड थी जिनको भी जाना था, तो इन दोनों सहेलियों ने मिलकर अपने यात्रा का प्लान बना लिया। अब मंदिर जिस दिन वो पहुंची उस दिन बहुत भीड़ था, लेकिन क्योंकि वो पूरा मन बना के आई थी और अब तो उनको जाना ही था, वो लाइन में लग गई थी, इसीलिए उन्होंने काफ़ी धैर्य रखा और भगवान को देखने के विचार में वो भक्ति में लीन हो गई। अब वो अपने पूरे इंतज़ार में और यात्रा में जब तक वो भगवान से नहीं मिली थी, वो उनका नाम पढ़ती थी, वो कई मंत्र पढ़ती थी और अपने मन में बालाजी भगवान के चित्र को देखकर सोचकर उनको काफ़ी खुशी मिल रही थी। जैसे तैसे लाइन में उनका टाइम कटते गया। वो कभी लोगों को देखती कि बच्चे जो हैं वो शोर कर रहे हैं, फिर कुछ दोस्त मिलकर थोड़ा हंसी मजाक कर रहे हैं। सब अपनी अपनी परेशानियों को लेकर मंदिर में आए हैं जिससे तिरुपति बालाजी भगवान उन सबको समस्याओं से निकालें। तो यही सब करते करते उनके 6 घंटे बीत गए। आखिरकार वो समय आ गया जब उन्होंने भगवान तिरुपति को अपने साक्षात देखा। उन्होंने बताया कि उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो कि उनको अपने ज़िंदगी में कोई परेशानी ही नहीं है। वहाँ का ऊर्जा ऐसा कुछ था कि उनको सिर्फ भगवान के लिए प्रसन्नता ही उमड़ रही थी। उनके मन में जो भी तकलीफें थीं वो जैसे सब कुछ भूल गई थी। भगवान को सिर्फ एक क्षण देखने का वहाँ पर टाइम मिलता है, बहुत ही कम सेकंड्स के लिए आप वहाँ खड़े हो सकते हो और फिर आपको आगे कर दिया जाता है। लेकिन उतने में ही उन्होंने ऐसा लिखा है कि उनका पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मतलब वहाँ पर ऐसा ऊर्जा है। और मैं आप सबको बता दूँ फ्रेंड्स, मैंने जितने भी एक्सपीरियंसेस पढ़े हैं लोगों के तिरुपति बालाजी भगवान के मंदिर के, सब सेम बात बोलते हैं। सबका सेम चीज़ कहना है कि जैसे ही वो भगवान को देखते हैं मंदिर में, उनकी सारी समस्याएं चली जाती हैं और वहाँ का जो ऑरा है, भगवान का जो शक्ति है ना तिरुपति बालाजी मंदिर में, वो ऐसा कुछ है कि वो आपको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। उनका ऊर्जा बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत पॉजिटिव है और उस सेकंड आप विष्णु भगवान के साथ एक हो जाते हो। तो अमृता जी का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही अलग था और वो बहुत प्रसन्न हो गई थी, ऐसा उन्होंने लिखा है। ठीक है, अच्छा ये हुआ, दर्शन हो गया, उन्होंने बाहर प्रसाद लिया और आकर अपने वर्क प्लेस पे बांटा, अपने लोगों को उन्होंने जो उनके साथ काम करते हैं उनको दिया, घर में जो उनके रिश्तेदार हैं उनके पिताजी सबको उन्होंने ये बांटा। ठीक है, उनका ये मानना है कि 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था उनके पिताजी अब वॉक्स पे जाने लगे थे और उनका जो परसिस्टेंट पेन था घुटनों में, हाथ में, जो उनको हड्डियों का इशू था, वो अब थोड़ा सा बेटर फील कर रहे थे। मतलब वो उतना कंप्लेन नहीं करते थे कि उनको पेन हो रहा है, वो थोड़ा खुश भी रहने लगे थे। तो इनका ऐसा मानना है कि ऐसा चमत्कार हो गया उनके पिताजी के साथ कि उनकी तबीयत भी बेटर हो गई, पहले से काफ़ी अलग और अच्छा फील कर रहे थे वो। एंड फाइनली उनके वर्क प्लेस की बात,
तो काम के जगह का तो वो ऐसा कह रही हैं कि उनके जो भी कलीग्स हैं वो इतने सपोर्टिव हो गए हैं जैसे पहले कोई बात ही नहीं हुई थी। जो उनके सीनियर्स हैं और उनके बॉस, उन सभी लोगों का नज़रिया इनके लिए एकदम बदल गया। अब वो उनके साथ चुटकुले शेयर करते थे, थोड़ा हंसी मजाक करना चाहते थे और काफ़ी मोटिवेट और इनकरेज करते थे इनको। तो अमृता जी का जो काम पर मन लगना था वो बेटर हो गया था, मतलब उनको काम की जगह पर अब जाने का और मन कर रहा था। और जो भी एक डिस्टर्बेंस आया था, थोड़ा सा टेंशन आ गया था सीनियर्स और उनके बीच में वो हाथ फ्रैक्चर होने के एपिसोड के बाद, वो चीज़ें जो है अब हट सी गई थी। यानी कि एक पॉजिटिव माहौल बन गया था काम के जगह पर भी, और उनको ये जो ट्रॉमा दे रहा था पूरा एक्सपीरियंस हैंड फ्रैक्चर के बाद, वो पूरा हट गया। सो शी वॉज़ वेरी हैप्पी। उनका ये जो दर्शन उन्होंने किया तिरुपति बालाजी भगवान के मंदिर में, ये उनका लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस था जो वो हम सबके साथ शेयर करना चाहती थी। आई एम सो थैंकफुल टू हर कि उन्होंने मेरे साथ शेयर किया और मैं आप सबके साथ शेयर कर पा रही हूँ। इसी के साथ आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ डू शेयर योर स्टोरीज विद अस सो दैट मैं सबके साथ शेयर कर पाऊँ। ओके, तब तक के लिए जय लक्ष्मी नारायण, जय तिरुपति बालाजी भगवान की।